हर सुबह चाय की चुस्की हमें और आपको तरोताजा महसूस कराती है। बाजार में अलग अलग चाय के ब्रांड भी मौजूद हैं, लेकिन ये चाय बनती कैसे है, हमारे आपके कप में ये पहुंचती कैसे है, ये जानने हम पहुंचे असम के चाय बागानों में। यहाँ पूरा पूरा दिन बागानों में खड़े होकर महिलाएं एक एक पत्ती तोड़ती हैं और फैक्ट्रियों में इन पत्तियों को प्रोसेस करके चाय बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं क्या है बागान से लेकर कप तक चाय पहुंचने की कहानी। हम लोग जो चाय पीते हैं वो जो बागान से निकल के उसके बाद प्रोसेस होने के लिए एक फैक्ट्री में जाती है। मैं अभी असम की एक चाय फैक्ट्री में हूँ, थोड़ा काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। ये एक ट्रक है जिसमें बाग से सीधे पत्तियाँ आई हैं अभी, और ये अंदर को रखी जा रही हैं, उनको फिर आगे प्रोसेस किया जाएगा। उसको बाकायदा ऊपर नीचे लेयर्स में रखते हैं जिससे कि पत्तियों में भाप ना बने, जिससे कि गर्मी ना बने और उनके जो पत्तियों के गुण हैं वो ख़राब ना हो। आपको मैं इधर से दिखाना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे देखिए कैसे रखा जा रहा है। इसके बाद एक ये नीचे जाल लगाई गई है और इसके ऊपर ये बोरे रखे जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ से ये जो पत्तियाँ हैं ये प्रोसेस होने के लिए आगे जाएंगी। तो ये एक चैम्बर है, ये यहाँ पे बड़े बड़े फ़ैन लगे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इन फ़ैन को चला के जब पत्ती को बिछा दिया जाता है एक लेयर के ऊपर, और उसको इन बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन चला के मॉइस्चर को कम किया जाता है। करीब 80% अगर मॉइस्चर है तो 40% रह जाता है, मतलब लगभग आधा मॉइस्चर इसका रहता है। और ये एक चैम्बर में दो तरीके से हवा दी जाती है। एक चाय की पत्ती यहाँ पे बिल्कुल अभी आई है ताज़ी, और इसको यहाँ पे देखिए कैसे फैलाया गया है, और ऊपर से हवा डाली जाती है और साइड से की जाती है और दूसरी तरफ निकल जाती है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो इस ये 40% मॉइस्चर वाली पत्ती को निकाल करके वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, जिसे कट भी किया जाता है, जिसे रोल भी किया जाता है। दो तरीके की पत्तियाँ बनती हैं, चाय का जो अलग अलग संसार है उससे रूबरू कराते हैं। ड्रायर में करीब 50% तक सुखाते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस होने के लिए फैक्ट्री में आती है 50-70% के बीच में। तो अंदर कैसे काम होता है, उस पत्ती को अब अंदर कैसे प्रोसेस किया जाता है, जिसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। तो एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको अंदर जाने के लिए ये एप्रन पहनना पड़ेगा और ये मास्क लगाना पड़ेगा और ये टोपी लगानी पड़ेगी। तो ये एक फैक्ट्री है जिसमें दो तरीके के प्लांट लगाए गए हैं। मैं इधर जो है ऑर्थोडॉक्स चाय बनती है, ऑर्थोडॉक्स चाय जब पत्ती आती है उसको सर्कुलेट किया जाता है, उसको सुखाया जाता है और पूरी की पूरी पत्ती वो सूख जाती है, उसे काटा नहीं जाता है। और जो उसे CTC चाय बोलते हैं, CTC चाय की ये फैक्ट्री है, ये मशीनें हैं, इसमें पत्तियों को ला के सुखा के और क्रश किया जाता है। और ये फैक्ट्री के अंदर एक रेल चल रही है, कोई काम नहीं करना है, किसी को दौड़ना नहीं है। ये देखिए एक रेल है, ये लगातार चलती रहती है, इसे मोनो रेल बोला जाता है। इसमें पत्तियाँ वो रख दी जाती हैं, पत्तियाँ चाय की पत्ती रख दी जाती है और वो अपनी जहाँ भी जाना है उसको वो पहुँच जाती है। तो इस तरीके से अभी क्या है कि एक दिन पहले पत्ती आती है बागान से, पत्ती आती है उसको 16 घंटे के लिए सुखाया जाता है वहाँ पे ड्रायर में। उसके बाद 50-70% का जो मॉइस्चर होता है उसको वहाँ तक ला के यहाँ पे लाया जाता है, फिर यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। ये जो बड़ी बड़ी रोलिंग मशीन्स हैं उसमें घुमाया जाता है और पत्तियों को जो है और ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद ये मशीनों के जरिए काम करके इसको मोनोरेल के जरिए वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ऑक्सीडेशन रूम है जिसमें पत्तियों को, आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये मोनोरेल में पत्तियाँ रखी गई हैं, ये यहाँ पे जा रही है और इसको अभी मॉइस्चर है, इसको जो है 3% मॉइस्चर पे लाया जाएगा, जो पैकेट को हम पैक करते हैं। ये बिल्कुल पत्ती, लेकिन पूरी की पूरी पत्ती है, ये ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स चाय है, इसको पूरा का पूरा पत्ती को सिखाया गया है ये, लेकिन पूरा मैकेनिकल है, इसको मोनोरोयल के जरिए पहुंचाया जाता है। और
अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो पत्ती है इसको ला के प्रोसेस करके सुखाया गया है, और ये जो पत्ती है ये बता रहे थे कि इसको यहाँ पे लाया जाता है, जो इसको ग्रीन कलर को ब्राउन किया जाता है और इसका कलर चेंज होता है, यहाँ पे चाय का फ्लेवर देती है जो हमारे कप में स्मेल आती है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, बिल्कुल ओरिजिनल। इसके बाद ये इस तरह से करके इसके बाद यहाँ से फायर के लिए भेजा जाएगा। ये कंपनी का जो चाय कंपनी है, जो चाय बना रही है, उसका हाई रिस्क जोन है। इसका मतलब है यहाँ पर बड़ी सावधानी से काम करना होगा। यहाँ पे जब हम आप आते हैं, अब क्या है, जो चाय का जो मॉइस्चर था, जो 50 था, वो यहाँ पे सुखा करके 3 रखा जाता है। वो जैसे रखा है इसमें, ये छूने से गर्म लगती है। यहाँ पे इसको चाय को, ये चाय वहाँ से ऊपर से गिरती रहती है इस मशीन के ज़रिए, और ये गरम गरम चाय निकलती है। चाय 2 बार गरम होती है, जब यहाँ से निकलती है, उसके बाद जब आपके कप प्लेट में जाती है, जब आपके चुस्की लेने के लिए आप कप में पानी के साथ डुबाते हैं, तब गरम होती है। लेकिन उसके पहले ये गरम हो चुकी है। इसको वजन करके यहाँ पे डाला जाता है, एक कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए ये चाय पत्ती वहाँ जा रही है, जिसे आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। तो ये जो है यहाँ का ड्राई रूम है, यहाँ पे इसको पत्ती को सुखा के इसको आगे भेजा जाएगा, और ये पत्ती आगे बेल्ट के ज़रिए अब पैकेजिंग के लिए जाएगी। ये फैक्ट्री का हाई रिस्क जोन है, यहाँ पे आसानी से सारे लोग नहीं जा पाते हैं या जाने नहीं देते हैं। यहाँ पे चाय आने के बाद चाय की ग्रेडिंग की जाती है, कौन सी बड़ी चाय होगी, कौन सी अच्छी है, उसको छोटी है तो उसको ग्रेड करके अलग अलग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग वो रखे हैं, बनाए गए हैं, ये चाय यहाँ से अलग अलग चाय चीज़ें निकल रही होती हैं। ये अलग अलग साइज़ की अलग अलग गिर रही होती हैं। ये यहाँ पे एक उसमें गिर रही है, ये छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है। तो इस तरीके से चाय को वहाँ से पूरा कन्वेयर बेल्ट से ला के अलग अलग प्रोसेस करके ये आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो ये था चाय का सफ़र, जो आपकी कब तक ख़त्म होता है, लेकिन वो कितने लोग लगे होते हैं, रात दिन महिलाएं काम करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाय उगाने से लेके बनाने से लेके चाय किचन में बनाने तक महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर सेक्टर में महिलाएं करती हैं, क्योंकि अगली बार जब चाय पिए तो इन महिलाओं को ज़रूर थैंक यू बोलूँ। मनीष मिश्रा, गाँव जनपद।